गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे विल डू रिप्लाई टू इन्विटेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये जो दो लेटर्स में दोनों ही बोथ इनफॉर्मल रिप्लाई एंड फॉर्मल रिप्लाई आर इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर सिर्फ डिफरेंस इतना है जैसे आप लोग शुरू से ही करते आ रहे हो कि जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें सिर्फ हमने सिंगल एड्रेस देना है ऊपर और जो फॉर्मल है उसमें डबल एड्रेस आता है सिंगल एड्रेस मींस सिर्फ एड्रेस किसका देना है जो लिखने वाला है उसका राइटर का एड्रेस देना है रिसीवर का एड्रेस नहीं देना होता हमने जो फॉर्मल लेटर है उसमें हम पहले राइटर का एड्रेस लिखते हैं उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें हमने सिर्फ राइटर का एड्रेस लिखना है रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना और दूसरा डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाइज में कि जो फॉर्मल रिप्लाइज़ हैं उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है स्पे, सेपरेटली लेकिन इनफॉर्मल रिप्लाइज़ में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता थर्ड डिफरेंस क्या है कि इनफॉर्मल लेटर्स में हम सर या मैडम नहीं लिखते हम डियर लिखते हैं क्योंकि वो हमारा इनफॉर्मल रिलेशन होता है ना और नीचे भी हम yours sincerely या ट्रूली या फेथफुली की जगह पे क्या लिखते हैं ओनली yours या yours लविंगली फॉर्मल लेटर में हम सारी या मैडम लिखते हैं और नीचे yours ट्रूली लिखते हैं ये जो दो लेटर्स मैंने आपको भेजे हैं इसमें sincerely लिखा हो फेथफुली लिखा हो जो मर्जी लिखा हो लेकिन आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे ट्रूली ही लिखना है क्योंकि सी के अकॉर्डिंग ट्रूली ही आता है इनफॉर्मल में yours ट्रूली और सॉरी इन फॉर्मल में yours लविंगली और फॉर्मल में yours ट्रूली और फॉर्मल में आपने सब्जेक्ट लिखना है इन फॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं लिखना फॉर्मल में आपने सर और मैडम लिखना है एड्रेस करते समय और इन फॉर्मल में आपने डियर लिखना फॉर्मल में आपने दो एड्रेसेस देने हैं पहले राइटर का सेंडर का मीन्स और फिर रिसीवर का और इन फॉर्मल में आपने सिंगल एड्रेस देना है और वो किसका होगा सेंडर का अब ये दो लेटर्स एक असेप्टेंस की और एक डिक्लाइनिंग की प्लस टू के स्टूडेंट्स हो आप लोगों ने सभी ने प्लस वन में ये लेटर्स हमने क्लास में करी हुई हैं तो अब मैंने तो सिर्फ दो फॉर्मल भेजी हैं लेकिन आपने इसके साथ ही दो इनफॉर्मल भी लिख लेनी है इन्हीं कोई चेंज करके इज इट क्लियर टू एवरीबडी ओके बेटा थैंक यू